केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन रिज मैदान पर रैली कराने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है और खतरे को दरकिनार कर रैली करवाने के आरोप लगाए हैं। माकपा और कांग्रेस का कहना है कि मैदान के नीचे बने पानी के टैंक में पहले ही दरारें आई थी। यह क्षेत्र सिंकिंग जोन में भी आता है, ऐसे में रिज पर भार डालना खतरे को दावत देना है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन का कहना है कि देश में मोदी है तो मुमकिन है। रिज मैदान पहले ही खतरे की जद में है और इसे बचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। रिज के नीचे बने टैंक के चैम्बरों की दरारों को कुछ समय पहले ही भरा गया है। इस पर ज्यादा भार पड़ता है तो भविष्य में भी खतरा हो सकता है। पूरे शहर को पानी की सप्लाई होती है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर सख्त से सख्त निर्देश दिए थे। एम्बुलेंस के जाने पर भी प्रतिबंध है। रिज के एक तरफ ही एम्बुलेंस चलाने के निर्देश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के अलग अलग रूप हैं, उनके लिए संकट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में उनको जरूर संकट पैदा होने वाला है। तो वहीं CPIM नेता संजय चौहान ने प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रदेश सरकार से शिमला के रिज मैदान के खतरे को देखते हुए रैली स्थान को बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रिज पर विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है जिससे मैदान को खतरा हो सकता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर रैली का आयोजन ना करे, इससे भविष्य में रिज के नीचे बने टैंक को खतरा हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, तो इसलिए कुछ नहीं बोल सकते। बोलना इतना ही है कि ये रिज जो हमारा संकट में है, सिंकिंग एरिया में है, इसके ऊपर कई कदम उठाए जा रहे थे। हाई कोर्ट के विदेश थे, टैंक भी खतरे में है जो इसके नीचे है, और पानी का सिस्टम जो चला हुआ था, इसके ट्रैफिक भी डिवर्ट की हुई थी। जो एम्बुलेंसेस आती थी या और गाड़ियां आती थी म्युनिसिपल कमेटी की, उनको भी साइड साइड से लाया जाता था ताकि ये रिज के ऊपर कोई डैमेज ना हो, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे कोई नुकसान हो। पर लेकिन अब भाजपा के अपने अपने रूप हैं, इनके लिए अब कोई संकट नहीं है। संकट तो है इनको, पर आगे इलेक्शन में है, अभी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। पर ये इनको करना नहीं चाहिए था, इसमें लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर थे, और वैसे भी खतरे के लिहाज से भी नहीं करना चाहिए था, पर अब ये कर रहे हैं तो चलो करने दो। संकट तो आएगा ही आएगा, अभी नहीं आएगा तो आगे इलेक्शन में आएगा। शिमला नागरिक सभा माननीय प्रधानमंत्री की शिमला की प्रस्तावित यात्रा में उनका स्वागत करती है तथा आशा करती है कि माननीय प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान प्रदेश व शिमला शहर के लिए जो है विकास परियोजनाओं को लेकर जो है आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी तथा पूर्व यात्राओं में जो घोषणाएं की है उनको जो है जमीनी स्तर पर लागू करवाएगी। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा इस यात्रा के दौरान एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए नागरिक सभा सरकार व प्रधानमंत्री कार्यालय से आग्रह करती है कि जो इस रैली के लिए चयन स्थान जो रिज मैदान है उसकी सामरिक दृष्टि से देखते हुए और इसके ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हुए और जन असुविधा को देखते हुए इस स्थान को बदलकर जो है वो एनाडेल ग्राउंड में जो है वो रैली जो है वो की जाए ताकि जनता को जो है वो कम से कम असुविधा हो और इस रिज की सुरक्षा के लिए भी जो है वो खतरा पैदा न हो। 31 मई 2022 को होने वाली इस रैली के लिए मात्र जो है एक सप्ताह अभी बाकी बचा है। शिमला शहर में सरकार के द्वारा इस रैली को लेकर जो तैयारियां की जा रही है उसके चलते जो है शिमला शहर की जनता को जो है काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आज शहर में जहां से 10 से 15 मिनट जिस सफर को तय करने में लगता है वहां पर 2 घंटे तक जो है वो ट्रैफिक जाम की वजह से जो है ये सफर तय हो रहा है और इसके चलते खास तौर पे जो शिमला शहर में आम जन है, स्कूल के बच्चे हैं, कर्मचारी है और जो रोजमर्रा काम पर जाते हैं उनको जो है बहुत असुविधा हो रही है। इसके साथ साथ यदि हम देखें शिमला शहर में जो है पेयजल का गंभीर संकट चल रहा है और सरकार व नगर निगम
इस रैली की तैयारी को लेकर जो है वो पानी जो है इस्तेमाल पीने का उसको जो है रिज मैदान व माल रोड को धोने के लिए कर रही है। एक तरफ नगर निगम जो है सरकार वो पानी जो है तीसरे दिन का निर्णय ले रही है और कई स्थानों पर 4 से 6 दिन के बाद जो है पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। यदि हम देखें जो रिज मैदान है इसका ऐतिहासिक महत्व और इसके नीचे जो है 100 वर्ष पूर्व जो पानी का टैंक बना है उससे जो है शहर के 40% से अधिक हिस्से को जो है वो पेयजल की आपूर्ति होती है।